एक बार सेवक भगवान से कहता है, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए आप बाहर घूम आइए, मैं मूर्ति बनकर आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम सबकी प्रार्थना सुनना लेकिन किसी से कुछ बोलना मत, क्योंकि मैंने सबकी प्लानिंग पहले से कर रखी है। अब मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मुझे खूब तरक्की देना। और जैसे ही नीचे माथा टेकता है, उसका पर्स नीचे गिर जाता है। उसके बाद एक गरीब आता है जो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसकी माँ के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन मंदिर में रखा पर्स देखकर वो उसे उठा लेता है और भगवान को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अब एक मछुआरा आता है और भगवान से अपनी कुशलता की प्रार्थना करता है, क्योंकि वो आज समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा होता है कि तभी ही पीछे से बिजनेसमैन आ जाता है और मछुआरे को चोर समझकर पुलिस में दे देता है। यह देख उस मूर्ति बने सेवक से अब रहा नहीं जाता और वो पुलिस को सारी बातें बता देता है। पुलिस अब मछुआरे को छोड़कर गरीब को जेल में डाल देती है। भगवान जब अब घूम के वापस आते हैं तो सेवक भगवान को सारी बातें बताते हुए कहता है, कैसे उसने आज कुछ गलत होने से रोक लिया। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने काम बनाया नहीं, बिगाड़ दिया है, क्योंकि बिजनेसमैन ने वो पैसे गलत तरीके से कमाए थे और मैंने उन्हें अच्छे काम के लिए उस गरीब तक पहुंचा दिया था। और वहीं समंदर में आज तूफान आने वाला था और जेल में होने के कारण आज उस मछुआरे की जान बच सकती थी। लाइफ में हर प्लानिंग हम नहीं कर सकते, जो हमें आज गलत लग रहा है ना, शायद वो कल हमारे लिए सही हो।